देश दुनिया के इतिहास में 5 नवंबर का दिन कई घटनाओं का गवाह बना। आज के दिन स्वतंत्रता सेनानी चितरंजन दास के जन्म समेत कई बड़ी घटनाएं घटी। हम आपको अपने चैनल के माध्यम से इन घटनाओं की अहमियत से रूबरू करवाएंगे। आज के दिन 1556 में पानीपत के दूसरे युद्ध में मुगल शासक अकबर ने हेमू को हराया था। 1630 में आज ही के दिन स्पेन और इंग्लैंड के बीच एक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। आज ही के दिन 1678 में जर्मनी की विशेष सेना ब्रेंडर्न बर्गर्स ने स्वीडन में ग्रीव्सवाल्ट शहर पर कब्जा जमाया था। 1854 में आज ही के दिन क्रीमिया के युद्ध में ब्रिटिश और फ्रांस की संयुक्त सेना ने इकेरमान में रूसी सेना को पराजित किया था। भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी चितरंजन दास का जन्म आज ही के दिन 1870 में हुआ था। आज ही के दिन 1895 में ऑटोमोबाइल के लिए जॉर्ज बी सेल्डम को अमेरिका का पहला पेटेंट दिया गया था। 1914 में आज ही के दिन इंग्लैंड और फ्रांस ने तुर्की के खिलाफ युद्ध की घोषणा की थी। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री तथा स्वतंत्रता सेनानी बनारसी दास गुप्ता का जन्म आज ही के दिन 1917 में हुआ था। हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार उदय राज सिंह का जन्म आज ही के दिन 1921 में हुआ था। 1930 में आज ही के दिन अमेरिका के महान साहित्यकार सिनक्लेयर लेविस को उनकी कृति बाबित्ती के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। आज ही के दिन 1937 में एडोल्फ हिटलर ने गुप्त बैठक बुलाकर जर्मन जनता के लिए ज्यादा जगह लेने की अपनी योजना का खुलासा किया था। 1956 में आज ही के दिन मिस्र और इजराइल की सेनाओं के बीच स्वेज नहर के आसपास संघर्ष के दौरान ब्रिटेन और फ्रांस की सेनाएं मिस्र पहुंची थी। आज ही के दिन 1961 में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने न्यूयॉर्क की यात्रा की थी। 1994 में आज ही के दिन जॉर्ज फोरमैन ने माइकल मूरर को हराकर 45 वर्ष की आयु में विश्व हैवीवेट चैंपियन का खिताब जीता था। आज ही के दिन 1996 में पाकिस्तान के राष्ट्रपति फारूक अहमद खान ने बेनजीर भुट्टो की सरकार को हटाकर पाकिस्तान की नेशनल असेंबली भंग की थी। वेस्ट इंडीज के महानतम तेज गेंदबाज मैलकम मार्शल का निधन आज ही के दिन 1999 में हुआ था। 2002 में आज ही के दिन ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह खुमैनी ने जेल में बंद देश के शीर्ष असंतुष्ट नेता अब्दुल्ला नूरी को माफी दी थी। आज ही के दिन 2006 में इराक के उच्चाधिकार न्यायाधिकरण ने देश के अपदस्थ राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन को मानवता के खिलाफ अपराध का दोषी पाते हुए फांसी की सजा सुनाई थी। 2007 में आज ही के दिन चीन का पहला अंतरिक्षयान चेंज एक चंद्रमा की कक्षा में पहुंचा था। भारतीय हिंदी फिल्मों के निर्माता और निर्देशक बी.आर. चोपड़ा का निधन आज ही के दिन 2008 में हुआ था। भारत के विलक्षण कलाकार भूपेन हजारिका का निधन आज ही के दिन 2011 में हुआ था। आज के इतिहास में बस इतना ही। कल का इतिहास लेकर पुनः हाजिर होंगे। नमस्कार।